Hello everyone and welcome to my channel Dr. Akash Singh. Here we are going to study biology in detail and cover all the topics of the NEET along with full explanation of NCERT as well as question practices. So welcome once again. Today we are going to study the protozoan disease and the most important protozoan disease which is there in the NCERT and has been discussed in detail, that is malaria. Yes. This is caused by the protozoa known as Plasmodium, which caused this disease. Okay, so we will just wait for 2 to 3 minutes and let the people join, and then we are going to start. This is the most important lecture, one of the most important lecture, in which we are going to study all the basic concept, everything which is related to malaria according to our level, and then we will compare that with the NCERT, because from NCERT some points has been removed. NCERT से कुछ points को remove कर दिया गया है, लेकिन हम लोग मलेरिया के सारे points को पढ़ेंगे, उसके बाद NCERT से उसको compare करके NCERT के points को learn कर लेंगे. But actual में क्या होता है मलेरिया के केस में, सब कुछ जानने वाले हैं यहाँ पे. ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ये पिक्चर बना हुआ है, यहाँ पे एक वीडियो, एक छोटा एनिमेशन देखेंगे जिसमें समझेंगे कि एक्चुअल कैसे मलेरिया होता है. ये आपको एक ओवरऑल आइडिया देने के लिए ये एनिमेशन देख लेना, मतलब ये नहीं है कि आप समझ गए, ये ओवरऑल आइडिया देगा कि एक्चुअल में मलेरिया में क्या होता है. ध्यान से देखना, इस चीज से मैं आपको समझा रहा हूं, एक आइडिया दे रहा हूं. ये स्ट्रक्चर क्या है, प्लाज्मोडियम, और इसका नाम स्पोरोजोइट है. इसको कौन लेके आता है, मॉस्कीटो लेके आता है अपने साथ. और जो मॉस्कीटो होते हैं वो कौन होते हैं, फीमेल एनोफिलीज मॉस्कीटो. कौन से होते हैं, फीमेल एनोफिलीज मॉस्कीटो. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हो कि ये जो स्पोरोजोइट था जो प्लाज्मोडियम है, अभी हम चीजों को ज्यादा डिटेल में नहीं लेंगे, जस्ट समझेंगे एक्चुअल क्या हो रहा है. यहाँ पे ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्कीटो ये कैरी करके लेके आती है. ये कहाँ रहता है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्कीटो के सलाइवरी ग्लैंड में. ठीक है, अब ये जैसे ही इसे कैरी करके लेके आती है तो फिर ये ह्यूमन के ब्लड में जाके, जैसे ये बाइट करेगी तो क्या करेगी, सबसे पहले इंजेक्ट करेगी. क्यों इंजेक्ट करेगी, कैसे करेगी, सब कुछ हम लोग आगे समझेंगे. यहां पे देखिए ये इंजेक्ट करती है उस प्लाज्मोडियम को, स्पोरोजोइट को अंदर, और वो लीवर तक पहुंच जाता है ब्लड के थ्रू. आई बात समझ में. और लिवर के सेल को सबसे पहले देखिए, ये क्या है, लिवर का सेल है सारा. पहले लिवर के सेल डैमेज होने लगते हैं. ये देखिए कैसे अंदर चला गया ये स्पोरोजोइट. स्पोरोजोइट क्या है, एक स्टेज है प्लाज्मोडियम का. अभी जस्ट समझ रहे हैं चीजों को, डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसको. अब उसके बाद ये अंदर डिवाइड करेगा, आप देख पा रहे हो किस तरह से ये डिवाइड किया, और फट जाएगा लिवर का सेल. और लिवर के सेल से वो जो ढेर सारे मेरोजोइट्स हैं, अब स्पोरोजोइट्स किसी और स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, और अब वो किसको इन्फेक्ट करेगा, आरबीसी को. ये देखिए आरबीसी को जाके उसके अंदर एंटर कर गया आप यहाँ पे, और उसके अंदर अब इसका डिवीजन चालू होगा. आप देख पा रहे हो कुछ इस तरह से, ये देखिए डिवीजन हो रहा है, डिवाइड कर रहे हैं, और फिर आरबीसी फिर रप्चर होगा, फिर और सारे आरबीसी इन्फेक्ट होंगे, और जो हेमोजोइन पिगमेंट है, जो प्रोटीन है, वो रिलीज होगा, जिसके कारण आपके बॉडी में मलेरिया के सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं. यही आरबीसी के अंदर जो हेमोग्लोबिन रहता है, इसे अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है प्लाज्मोडियम का वो स्टेज, जिसके कारण से ये पिगमेंट जो रहता है, ये प्रोटीन जो रहता है, रिलीज होता है जब आरबीसी फटता है. और जब जब ये रिलीज होता है तब तक बॉडी में अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलते हैं. वो सारे सिम्टम्स जो भी होते हैं वो मलेरिया के सिम्टम है, और वो हम लोग आगे पढ़ेंगे. ठीक है, और देखिए फिर आगे क्या होता है. यहां पे कई आप देख पा रहे हो कि कौन कौन से सेल डैमेज हो रहे हैं, कौन कौन से सेल यहाँ पे डैमेज हो रहे हैं. एक तो आरबीसी डैमेज हो रहे हैं, दूसरा क्या हो रहे थे, लिवर के सेल डैमेज हो रहे थे. अब यहाँ पे ये दोनों क्या है, इसमें से कुछ आरबीसी के अंदर जो रहते हैं वही प्लाज्मोडियम चेंज हो जाते हैं, कौन से स्टेज में चले जाते हैं, वो गैमिटोसाइट के स्टेज में। हमारे बॉडी में गैमिट नहीं कहा है मैंने, गैमिटोसाइट कहा है। अब ये गैमिटोसाइट जो बन गए हैं ये किस में बने, आरबीसी में। और फिर मच्छर आएगा, खून चूसेगा तो उस गैमिटोसाइट को ले लेगा और गैमिटोसाइट से जो गैमिट बनेगा, देखो किस तरह से मच्छर जो सक कर रहा है ब्लड को, जो एनोफ्लीज मॉस्किटो है, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो है, वो गैमिटोसाइट कहाँ चला गया, वो इसके गट में चला गया, स्टमक में चला गया। अब ये गैमिटोसाइट गैमिट में बदलेगा कहाँ, मच्छर की एनोफ्लीज मॉस्किटो के स्टमक में। ये देखिए मेल गैमिट और फीमेल गैमिट बना। अब ये आपस में फ्यूज करेंगे और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं ookinete, ठीक है। और अब ये जो है ये oocyst बना देते हैं। ये कहाँ पे बन गया है, मच्छर की स्टमक में, एनोफ्लीज मॉस्किटो जो है उसके स्टमक में। फिर ये रप्चर होता है, ये रप्चर होता है और ये सारे एजेंट्स जो हैं सलाइवा में फिर चले जाते हैं। फिर मच्छर किसी ह्यूमन को बाइट करेगा, सक करेगा ब्लड, तो उससे पहले इंजेक्ट करेगा, फिर सक करेगा, ठीक है। तो इंजेक्ट जब करेगा तो ये अपने सलाइवा के साथ क्या भेज देगा, फिर से स्पोरोजॉइट भेज देगा। ये चीजें आपको जस्ट एक आइडिया देने के लिए था कि मलेरिया में क्या होता है। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वहां एक्चुअल समझेंगे कि मलेरिया में क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या हो रहा है वहां, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अब यहाँ पे हम लोग कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन करने वाले हैं। सबसे पहले लिखिए कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया, क्या नाम है, कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया। और वो कॉजेटिव एजेंट कौन है मलेरिया का, प्लाज्मोडियम। क्या है, क्या है, प्लाज्मोडियम, इज प्लाज्मोडियम। आई बात समझ में। अब ये प्लाज्मोडियम का किंगडम क्या है, क्लास क्या है, सब कुछ यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये प्लाज्मोडियम आपके लिए जो इसके बारे में बताया कहाँ गया है आपको, क्लास 11 चैप्टर 2 है कि नहीं। तो वहां पे ये दिया गया है इसका किंगडम क्या है, किंगडम जो है इसका प्रोटिस्टा है कि नहीं। और क्लास क्या है बताइए, ये सबको आप फिल कीजिए, मैंने पढ़ा दिया है आपको ये सब चीज। प्लाज्मोडियम कौन से किंगडम में आता है, कौन से क्लास में आता है, कौन से फाइलम में आता है, बताइए। सोनाली मंडल को VFX पसंद आया, अच्छी बात है, एनिमेशन आपको पसंद आया। उम्मीद करता हूं अब जो पढ़ रहे हैं वो भी अच्छी तरह से समझ जाए, उसके बाद उस एनिमेशन को देखिएगा, गजब का मजा आएगा, सब कुछ क्लियर कट हो जाएगा, ठीक है। चलिए किंगडम को मैं लिख देता हूं, वो क्या है, प्रोटिस्टा है। क्लास जो है इसका स्पोरोजोआ है, फाइलम क्या है, प्रोटोजोआ है, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा, फाइलम प्रोटोजोआ, उसमें क्लास क्या है, स्पोरोजोआ, ठीक है। चलिए अब ये जो स्पोरोजोआ होते हैं वो कैसे होते हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। स्पोरोजोआ में कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गेन नहीं है। क्यों लोकोमोटरी ऑर्गेन नहीं है भाई, लोकोमोटरी ऑर्गेन इसलिए नहीं है क्योंकि ये स्पोरोजोआ जो है क्या है, एक पैरासाइट है जिसे लोकोमोशन की जरूरत नहीं है, उसका जो होस्ट है वो उसको रखेगा अपने पास, ठीक है। इसीलिए यहां कोई लोकोमोटरी ऑर्गेन नहीं है और ये क्या है, पैरासिटिक इन नेचर रहता है। इसमें कोई भी फूड वैक्यूल वगैरह भी आपको देखने को नहीं मिलते हैं, कोई फूड वैक्यूल नहीं रहता। ये क्यों, क्योंकि ये फैगोसाइटोसिस नहीं करता है, ये न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है अपने बॉडी के अंदर, फैगोसाइटोसिस नहीं करता है। एमीबा क्या करता था, फैगोसाइटोसिस करता था, ये चीजों को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। ये चीज क्लियर रखना है। और मैं जितने भी पॉइंट्स लिखा रहा हूं ना, सबका मतलब है, हर पॉइंट्स कहीं ना कहीं यूज होंगे, इसीलिए इन सबको नोट डाउन करना है या स्क्रीनशॉट लेना है, जो आपको ठीक लगे वो आप कर दो, ठीक है। अब इसके रिप्रोडक्शन को समझते हैं। देखिए ऑर्गेनिज्म में दोनों तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। दोनों का अलग अलग नाम है, अलग अलग तरीका है, ठीक है। नोट डाउन करना यहां पे, रिप्रोडक्शन पहला क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता है गैमीट्स बनते हैं, मेल गैमीट बनेंगे और फीमेल गैमीट बनेंगे। और जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट एक जैसे दिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, आइसोगैमस। लेकिन इस केस में मेल गैमीट और फीमेल गैमीट अलग दिखते हैं, इनको क्या बोला जाता है, एन आइसोगैमस। इनके गैमीट्स जो होते हैं वो एन आइसोगैमस होते हैं, नोट डाउन कर दीजिए। क्लियर है चीजें, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे पैरासाइट के बारे में। पैरासाइट कितने तरह के हो सकते हैं या और हमें उस चीज से मतलब है यहां पे, ठीक है। पैरासाइट जो रहता है उनको होस्ट के बेसिस पे भी बांटा गया है। एक तो पैरासाइट होता है एंडो पैरासाइट, एक्सो पैरासाइट। एंडो पैरासाइट बॉडी के अंदर रहने वाला, एक्सो पैरासाइट बॉडी के बाहर रहने वाला, बॉडी के सरफेस पे रहने वाला, ठीक है। अब ये जो पैरासाइट है उसको होस्ट के नंबर के बेसिस पे बांटा गया है। देखिए चलिए यहां पे हम लोग करते हैं एक से पैरासाइट को मोनोजेनेटिक और डाइजेनेटिक में बांटा गया। मोनोजेनेटिक क्या होता है, जिसमें एक ही होस्ट इन्वॉल्व होगा। डाइजेनेटिक क्या होगा, जहां दो होस्ट इन्वॉल्व होगा। जैसे कि ये मलेरिया का पैरासाइट जो कि प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है, ठीक है। और वो कैसा है, डाइजेनेटिक है, उसके दो होस्ट हैं। एक तो एनोफिलीज मॉस्किटो है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। रीजन सब कुछ समझेंगे क्यों फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो रीजन है। फिर उसके बाद दूसरा होस्ट कौन है, मैन यानी ह्यूमन होस्ट है, ठीक है। इस चीज के बारे में लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। रिक्वायर्स ओनली सिंगल होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। ये क्या है, मोनोजेनेटिक के बारे में मतलब क्या हुआ कि ये रिक्वायर करेगा सिर्फ सिंगल होस्ट, क्यों, टू कंप्लीट इट लाइफ साइकिल। और डाइजेनेटिक कैसा होगा, requires two hosts to complete its life cycle। और इसका एग्जाम्पल क्या है, प्लाज्मोडियम। और यहाँ पे होस्ट जो हैं आपके ह्यूमन हैं और फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है, ठीक है। इन दोनों को आप नोट डाउन कर लीजिए और कोई डाउट हो तो पूछिए। क्या यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी कि क्या इन दोनों को क्या क्यों बोलते हैं, मोनोजेनेटिक और डाइजेनेटिक क्यों है, मोनोजेनेटिक का मतलब क्या है, बिल्कुल सिंपल रखा है मैंने। सब कुछ एक एक स्टेप आगे बढ़ते चलेंगे और चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। अब होस्ट भी होते हैं, होस्ट के टाइप्स को भी समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। होस्ट जो रहते हैं, एक प्राइमरी होस्ट होते हैं और दूसरे सेकेंडरी होस्ट होते हैं। प्राइमरी होस्ट वो होस्ट होता है जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जहां पे मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज होते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी होस्ट। ये अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी है, ये बायोलॉजी के अकॉर्डिंग ये सब चीजें है, ठीक है। और सेकेंडरी होस्ट क्या होता है, जहां एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जहां क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया का पैरासाइट है, वहां पे प्राइमरी होस्ट जो होता है जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी मेल गैमिट और फीमेल गैमिट फ्यूज करते हैं, वो कौन है, एनोफिलीज मॉस्किटो। और सेकेंडरी होस्ट कौन है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस अकॉर्डिंग, इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ह्यूमन इज द सेकेंडरी होस्ट। लेकिन अगर क्लिनिकल होस्ट देखा जाएगा, इसके बारे में कह रहा मैं, क्लिनिकल होस्ट देखा जाएगा कि क्लिनिकली कौन हो अच्छा होस्ट, क्लिनिकली कौन होस्ट है प्राइमरी। मैं क्या बोल रहा हूं, क्लिनिकली प्राइमरी होस्ट कौन है। क्लिनिकली का मतलब क्या होता है, क्लिनिक के हिसाब से, हॉस्पिटल के हिसाब से, ट्रीटमेंट के हिसाब से। ऑब्वियसली डॉक्टर जो ट्रीट करेगा वो मच्छर को तो ट्रीट करेगा नहीं, एनोफिलीज मॉस्किटो को ट्रीट करेगा क्या, नहीं। वो किसको ट्रीट करेगा, ह्यूमन को ट्रीट करेगा। तो क्लिनिकली प्राइमरी होस्ट कौन है, ह्यूमन है। क्लिनिकली जो है प्राइमरी होस्ट ह्यूमन है, ये ध्यान में रखना है आपको, लिख लो। यहाँ एनोफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो और दूसरी तरफ ह्यूमन, और क्लिनिकली ह्यूमन इज प्राइमरी होस्ट। इसको नोट डाउन कर लीजिए, प्राइमरी होस्ट, सेकेंडरी होस्ट, इधर का सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लो, इधर के सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लो। फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे और कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिटेल में समझेंगे, ठीक है। लेक्चर समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई डाउट है यहां तो पूछिए। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। दो टर्म है, इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है, और विंडो पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है उसके बारे में सबसे पहले नोट डाउन करेंगे, फिर समझेंगे। इंक्यूबेशन पीरियड, the period between exposure to an infection and the appearance of the first symptom is known as incubation period. Incubation period क्या है कि पहला एक्सपोजर इन्फेक्शन का, यानी कि कब इन्फेक्टिव एजेंट बॉडी में आया और पहला सिम्टम कब अपीयर हुआ। आई बात समझ में, उसको क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड। ये जनरल टर्म है, जनरल है, किसी भी बीमारी के लिए होता है, ठीक है। टाइफॉइड के लिए अलग होगा, मलेरिया के लिए अलग होगा। मलेरिया के लिए मान लो 14 डेज 12 डेज 12 डेज अगर इंक्यूबेशन पीरियड कहा गया, इसका मतलब क्या हुआ? बॉडी में प्लाज्मोडियम का कोई स्टेज आया और उसके बाद पहला सिम्टम जो होगा वो 14 डेज बाद देखने को मिलेगा। पहली बार जो बुखार आएगा वो 14 डेज बाद देखने को मिलेगा। पहली बार जो ठंडक लगेगी, चिल्स होगा, वो 14 डेज बाद देखने को मिलेगा। पेशेंट को 14 डेज बाद फील होगा, तो वो होगा इंक्यूबेशन पीरियड। अंदर आया इन्फेक्टिव एजेंट और उतने दिन बाद पहला सिम्टम आया। आई बात समझ में, उसको क्या कहेंगे? इंक्यूबेशन पीरियड। अब एक और टर्म है इंपॉर्टेंट, विंडो पीरियड। क्या है? विंडो पीरियड। विंडो पीरियड लिखिए, द पीरियड बिटवीन इन्फेक्शन एंड व्हेन द टेस्ट कैन रिलायबली डिटेक्ट द इन्फेक्शन। ये थोड़ा अलग है, ये थोड़ा अलग है, ध्यान से समझना। यहां पे पहला सिम्टम आ रहा था, यहां पे सिम्टम नहीं आएगा, लैब में सबसे पहले डिटेक्ट होगा। अब एक बात समझो, आपके बॉडी में एक बैक्टीरिया आएगा तो क्या लैब का टेस्ट डिटेक्ट कर लेगा पूरे बदन में कहां वो एक बैक्टीरिया है? क्योंकि वो क्या, हम लैब में क्या होता है? ब्लड टेस्ट होगा, ठीक है, एंटीजन सीरो एंटीजन का टेस्ट होता है, एंटीबॉडी का टेस्ट होता है। तो उसके लिए भी, वो लेवल तक आने के लिए भी कुछ टाइम तो देना पड़ेगा। तो वही पीरियड है कि इन्फेक्शन और लैब में रिलायबली डिटेक्ट हो जाए वो इन्फेक्शन हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? विंडो पीरियड बोलते हैं। आई बात समझ में? विंडो पीरियड में क्या करना है? इन्फेक्शन और लैब में, लेबोरेटरी में डिटेक्ट होने के बीच में जो टाइम पीरियड होता है उसको विंडो पीरियड बोलते हैं। और इंक्यूबेशन पीरियड, इन्फेक्शन और पहला सिम्टम जब आपको देखने को मिला उनके बीच जो टाइम पीरियड रहता है उसे इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो आपको इंक्यूबेशन पीरियड और विंडो पीरियड के बीच में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर कुछ डाउट है तो पूछिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कितने तरह के प्लाज्मोडियम होते हैं और उनसे किस किस तरह के मलेरिया होते हैं। मलेरिया का भी एक टाइप नहीं है, कई टाइप है, समझेंगे उसमें से कौन ज्यादा कॉमन है, कौन कॉमन नहीं है, कौन ज्यादा खतरनाक है, किससे ज्यादा डैमेज होता है, सबके बारे में जानेंगे, ठीक है। चलिए, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई डाउट है, हाँ या ना? अब यहां पे बात करते हैं मलेरिया के पैरासाइट के बारे में। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्लाज्मोडियम स्पीशीज विच कैन कॉज विच कॉजेस मलेरिया। 4 तरह के प्लाज्मोडियम स्पीशीज हैं जिनके कारण मलेरिया होता है, ठीक है। अब उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले फर्स्ट है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, P.vivax मैंने लिखा है, इसका मतलब क्या होगा? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ठीक है। और ये प्लाज्मोडियम वाइवैक्स जो है यहां पे मैंने लिखा आईपी। आईपी मतलब इंक्यूबेशन पीरियड। क्या है आईपी का मतलब? इंक्यूबेशन पीरियड। ये 14 डे रहता है, एक सेकंड, 14 डेज, ठीक है। और इससे जो मलेरिया होता है उसे बोलते हैं बेनाइन टर्शियन मलेरिया। इससे कौन सा मलेरिया होता है? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से बेनाइन टर्शियन मलेरिया। इन दोनों वर्ड का मतलब है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान दो। बेनाइन का मतलब होता है जो ज्यादा खतरनाक नहीं हो, बहुत फैल नहीं रहा है, बॉडी को ज्यादा डैमेज नहीं कर रहा है, ठीक है, बेनाइन कहा गया। टर्शियन इसलिए कहा गया क्योंकि यहां जो बुखार आता है ना हर 3 दिन बाद आता है, हम समझेंगे कि वो बुखार क्यों आता है और क्यों उसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है। लेकिन इतना बस अभी ध्यान में रखो कि यहाँ जो बुखार आएगा, जो सिम्टम्स आएंगे, जो चिल्स होगा बॉडी में, वो 3 दिन का टाइम लेगा। हर 3 दिन बाद सिम्टम्स रिपीट होंगे। इसीलिए इसके कारण जो डिजीज हुई, इसके कारण जो मलेरिया हुआ, उसका नाम क्या रखा गया? बेनाइन टर्शन मलेरिया। आई बात समझ में? अब दूसरे तरह के इसमें जाते हैं, दूसरे प्लाज्मोडियम से के बारे में पढ़ते हैं। प्लाज्मोडियम ओवेल, ठीक है। ये जो प्लाज्मोडियम ओवेल है ये रेयर होता है। प्लाज्मोडियम ओवेल जो है थोड़ा रेयर है, इसीलिए इसके लिए मैंने लिख दिया रेयर। और इसका आईपी इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है ये भी 14 डेज रहता है। और इसके कारण भी बेनाइन क्वार्टिडियन मलेरिया होता है। इनके कारण कौन सा मलेरिया होता है? बेनाइन क्वार्टिडियन मलेरिया। क्वार्टिडियन मलेरिया क्यों कहा गया यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे जो मलेरिया के सिम्टम होते हैं हर 4 दिन बाद रिपीट होते हैं, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, थर्ड तरह के ऑर्गेनिज्म, थर्ड तरह के प्लाज्मोडियम के बारे में जानते हैं, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है और इसके कारण जो मलेरिया होता है ना वो मैलिग्नेंट होता है। पहले तो बात कर लेते हैं, इनका आईपी यानी इंक्यूबेशन पीरियड भी काफी कम होता है, मतलब एज कंपेयर टू अदर 12 डेज का होता है। और उसके कारण जो मलेरिया होता है वो कौन सा होता है? मैलिग्नेंट टर्शन मलेरिया। इनके कारण जो मलेरिया होता है मैलिग्नेंट है, यानी कि बहुत ज्यादा डैमेज करेगा बॉडी को। टर्शन यानी कि हर 3 दिन बाद इसके सिम्टम रिपीट होंगे, मैलिग्नेंट टर्शन मलेरिया, ठीक है। और एक और है लास्ट, प्लाज्मोडियम मलेरिया। इसका जो आईपी होता है 28 डेज होता है और ये आपके बुक में दिया हुआ है, लेकिन ये हमारे ह्यूमन को ज्यादा नहीं होता। ह्यूमन छोड़ के जो दूसरे प्राइमेट्स है वहां पे ज्यादा कॉमन है ये, ठीक है। ह्यूमन में भी हो सकता है लेकिन वहां ज्यादा कॉमन है, मोर कॉमन इन अदर प्राइमेट्स। और इसके कारण भी बेनाइन टर्शन मलेरिया होता है। इनके कारण भी कौन सा मलेरिया होता है भाई? बेनाइन टर्शन मलेरिया। इन सब को नोट डाउन कर लीजिए। एक आध और मलेरिया है जो अभी डिस्कवर वगैरह हो रहे हैं, बट ठीक है हमारे एनसीईआरटी में इतना ही है तो हम इतना ही इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कि ओनली फीमेल क्यों कहा गया, फीमेल को क्या जरूरत है, मतलब कि फीमेल मॉस्किटो क्यों ऐसे फैलाती है और वो क्यों काटती है। होता क्या है, सारे मॉस्किटो आपको बाइट, ह्यूमन को, एनिमल को बाइट नहीं करते हैं, ओनली फीमेल बाइट करती है, ठीक है। क्योंकि उनका जो ये माउथ पार्ट है वो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप है, और जो मेल होते हैं वो प्लांट के सैप को पी करके उनका न्यूट्रिशन वहां से आता है। और इनका हम समझेंगे फीमेल जो है क्यों हमारे बॉडी से खून को सक करती है, उनको क्या वहां से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, समझेंगे इन चीजों को अभी, ठीक है। चलिए यहां तक नोट डाउन कर लिए, कोई डाउट है यहां तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और पॉइंट्स को समझते हैं, ठीक है। ओनली फीमेल मॉस्किटो बाइट्स ह्यूमन, व्हाई? इसके रीजंस हैं। पहला, दे हैव पेनिट्रेटिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। इनका जो पेनिट्रेटिंग और सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स होता है। और दूसरा क्या है, दे नीड ह्यूमन आरबीसी फॉर डेवलपमेंट ऑफ देयर एग। वो ह्यूमन के आरबीसी को यूज करते हैं एग को डेवलप करने के लिए, ठीक है। 2 रीजन है क्यों फीमेल मॉस्किटो ह्यूमन को बाइट करते हैं, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, ठीक है। हर जगह जो फीमेल ही, चाहे वो डेंगू हो या कुछ भी हो, वो फीमेल मॉस्किटो के कारण ही होता है, ध्यान देंगे। पहला उनका पेनिट्रेटिंग और सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट है। दूसरा, दे नीड ह्यूमन आरबीसी फॉर डेवलपमेंट ऑफ देयर एग। इसीलिए मोस्टली जो प्रेग्नेंट फीमेल मॉस्किटो है, प्रेग्नेंट फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है, वो हमें क्या करती है? बाइट करती है, ठीक है। इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एम आई क्लियर? अब चलेंगे हम लोग लाइफ साइकिल के अंदर। जो प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल है जो हमारे बुक में एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है उसके बारे में समझेंगे। अभी तक हम लोग बेसिक चीजों को समझ रहे थे, जो हमारे दिमाग में क्वेश्चंस उठते हैं उनको समझ रहे थे। अब चलते हैं लाइफ साइकिल के बारे में, ठीक है। कोई डाउट यहां तक तो पूछो। यहां पे सबसे पहले हम लोग चल रहे हैं लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल का दो पार्ट, एक एसेक्सुअल फेज है और दूसरा सेक्सुअल फेज है। लाइफ साइकिल किसका? प्लाज्मोडियम की बात हो रही है। इसका दो फेज है, एसेक्सुअल फेज रखा है हमने और दूसरा सेक्सुअल फेज है। एसेक्सुअल फेज को क्या बोलते हैं? स्पोरोगोनी। एसेक्सुअल फेज को स्पोरोगोनी कहते हैं और स्पोरोगोनी का दूसरा नेम क्या है? साइजोगोनी। क्या कहेंगे? ह्यूमन में होता है ये और इसका दूसरा नाम है साइजो गोनी। आई बात समझ में? और इधर जो सेक्सुअल फेज होता है उसको क्या बोलते हैं? या तो इसको क्या बोलेंगे? गैमिटोगोनी बोलेंगे, ठीक है, गैमिटोगोनी। और ये कहां होता है? एनोफ्लीज मॉस्किटो में होता है। ये कहां होगा? एनोफ्लीज मॉस्किटो में होता है। हम लोग एक एक करके दोनों स्टेज को पढ़ेंगे। सबसे पहले एसेक्सुअल फेज यानी स्पोरोगोनी और साइजोगोनी यानी ह्यूमन के बॉडी में क्या क्या होता है, कैसे कैसे प्लाज्मोडियम में चेंज आता है, कैसे वो डिजीज कॉज करता है, उनके बारे में पढ़ेंगे। और बाद में सेक्सुअल फेज को पढ़ेंगे कि एनोफ्लीज मॉस्किटो में क्या क्या चेंजेस आते हैं, उनके बॉडी में प्लाज्मोडियम कैसे कैसे वर्क करता है, क्या करता है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो और इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलिए यहां पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्पोरोगोनी। स्पोरोगोनी और साइजोगोनी स्टार्ट कर रहे हैं और समझेंगे हम इसको साइजोगोनी वगैरह क्यों बोलते हैं, इसको भी डिटेल में समझेंगे। ये कहां पे चल रहा है? मैन में चल रहा है, मैन में चल रहा है। और ये जो स्पोरोगोनी है इसके भी दो स्टेप्स हैं, स्पोरोगोनी या साइजोगोनी के भी दो स्टेप्स हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहला जो है प्राइमरी एक्सोइराइथ्रोसाइटिक साइकिल। क्या है पहला? प्राइमरी एक्सोइराइथ्रोसाइटिक साइकिल और दूसरा है एराइथ्रोसाइटिक साइकिल। दो स्टेज है, प्राइमरी एक्सोइराइथ्रोसाइटिक साइकिल और दूसरा है एक्सोइराइथ्रोसाइटिक साइकिल। आई बात समझ में? तो अब यहां पे समझते हैं कि अब इसमें क्या क्या होते हैं। हम पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, प्राइमरी एक्सोइराइथ्रोसाइटिक साइकिल के बारे में, फिर इराइथ्रोसाइटिक साइकिल के बारे में। एक्सोइराइथ्रोसाइटिक साइकिल मतलब क्या हुआ? इराइथ्रोसाइट के बाहर, आरबीसी के बाहर। और इराइथ्रोसाइटिक साइकिल कहां चल रहा है? आरबीसी के अंदर। और ये दोनों ये साइकिल जो है किसका पार्ट है? स्पोरोगोनी का पार्ट है और साइजोगोनी का पार्ट है। और स्पोरोगोनी और साइजोगोनी है क्या? एसेक्सुअल फेज है। किसका? प्लाज्मोडियम का। और ये एसेक्सुअल फेज कहां हो रहा है? ह्यूमन में हो रहा है। क्लियर है यहां तक चीजें? कोई डाउट है यहां तक? अरे कुछ बताओ, हाँ ना, कुछ समझ में तो आना चाहिए कि समझ में आ रही है बातें या मैं खुद को पढ़ा रहा हूं। अगर ऐसे ही पढ़ाना होता तो मैं सीधा अपलोड कर दिया होता, लाइव लेक्चर करने की जरूरत ही नहीं थी। चलिए जो भी है आगे देखते हैं। So when mosquito bites, ध्यान दीजिए, when mosquito bites human, it injects an anticoagulant anopheles। जब बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, ध्यान देना, ह्यूमन में जब भी मॉस्किटो मतलब जहां भी मैं मॉस्किटो वर्ड यूज करूंगा दैट मीन फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है। आई बात समझ में? तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो ये क्या सबसे पहले क्या इंजेक्ट करेगा? एंटीकोएगुलेंट। और उस एंटीकोएगुलेंट का नाम क्या है? एनोफिलीन। क्यों एंटीकोएगुलेंट सबसे पहले इंजेक्ट करेगा? ध्यान से समझो, आपके बॉडी में एक छोटा भी कट लगता है तो ब्लड कुछ थोड़े टाइम में तुरंत जो है वो निकलना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि कोएगुलेशन हो जाता है। अब सोचिए एक पिद्दी भर जो मच्छर होता है, एक छिन्ना भर का मच्छर क्या आपके बॉडी से ब्लड को सक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर वो तो वो क्या करता है, सबसे पहले एंटीकोएगुलेंट क्या कर देता है, इंजेक्ट कर देता है। सबसे पहले क्या करता है, एंटीकोएगुलेंट को इंजेक्ट कर दिया ताकि वहां के ब्लड जो है कोएगुलेट नहीं हो। तो इंजेक्ट जो किया वो कैसे किया, अपना सलाइवा से इंजेक्ट किया। सलाइवा में उसके क्या है, एंटीकोएगुलेंट, उसको इंजेक्ट किया, उसके बाद सक किया। ब्लड कहां गया, उसके स्टमक में। लेकिन जब वो सलाइवा को इंजेक्ट कर रहा था, एंटीकोएगुलेंट बॉडी में डाल रहा था हमारे, तो वो क्या कर रहा था उसके साथ साथ, अगर ये मॉस्किटो इन्फेक्टेड है किससे, प्लाज्मोडियम से, तो वो सिर्फ सलाइवा हमारे बॉडी में नहीं डालेगा, क्या डालेगा, प्लाज्मोडियम डालेगा। प्लाज्मोडियम का कौन सा स्टेज डालेगा, स्पोरोजॉइट डालेगा। ध्यान से सुने, ध्यान से समझे इस चीज को। हमारे बॉडी में एंटीकोएगुलेंट तो डाला ही, उसके साथ साथ प्लाज्मोडियम का स्पोरोजॉइट स्टेज भी डाल दिया। और ये तभी डाल सकता है अगर एनोफिलीज मॉस्किटो इन्फेक्टेड होगी। ऐसा नहीं है कि जितनी बार भी एनोफिलीज मॉस्किटो काटेगी मलेरिया हो ही जाएगा, उसके मलेरिया होने के लिए मॉस्किटो का भी इन्फेक्टेड होना जरूरी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, so through its saliva and then suck the blood, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, if mosquito is infected it will also inject sporozoite with saliva, ये इंपॉर्टेंट है। और ये स्पोरोजॉइट जो रहता है ये क्या है, इन्फेक्टिव स्टेज है, ये इन्फेक्टिव स्टेज है प्लाज्मोडियम का। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम मतलब जिससे हमें इन्फेक्शन होगा, ठीक है, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम। एक सेकेंड, यस, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम। इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन सीधा नीट में पूछा जाता है, विच स्टेज, विच इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम। वो सीधा स्पोरोजॉइट है, ठीक है, क्योंकि वही इन्फेक्ट करता है हमें, वही हमारे बॉडी में आता है। इन्फेक्ट करना मतलब जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म, फॉरेन पार्टिकल जो हमारे बॉडी में आया वही है, ठीक है। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, ध्यान दो, ये स्पिंडल शेप का रहता है, न्यूक्लियस है, बाहर पेलिकल रहता है, बीच में न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है। और दिस रीच, और ये हमारे बॉडी में जैसे ही इंजेक्ट किया तो उस समय वो आरबीसी में पेनिट्रेट नहीं करता है, वो ब्लड के साथ फ्लो होते हुए कहां जाता है, लिवर में जाता है। ध्यान से समझना, ब्लड के साथ, मैंने कहा ब्लड में आरबीसी में पेनिट्रेट ये नहीं कर सकता है, ठीक है। ये सबसे पहले सीधा ब्लड के साथ साथ लिवर तक जाएगा, आधे घंटे एक घंटे के अंदर ये लिवर तक पहुंच जाएगा, चाहे किसी पार्ट में काटा हो मच्छर, ठीक है। हाँ, दिस रीच लिवर थ्रू ब्लड सर्क्यूलेशन इन 30 मिनट्स to 1 hour आफ्टर इंटरिंग द बॉडी। आई बात समझ में, चीजें बिल्कुल क्लियर है, इस चीज को भी नोट डाउन कर लो, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर डिटेल में और पढ़ेंगे। चलो यहां तक कोई डाउट किसी को भी, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल करके पढ़ा रहा हूं मैं चीजों को। चलिए अब लीवर के स्ट्रक्चर को बनाते। लीवर, होप सो आपको याद होगा, कुछ कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था आपने, राइट साइड में अपना लीवर रहता है कि नहीं, लार्जेस्ट ग्लैंड है ये, है कि नहीं। और इसका फंक्शनल यूनिट क्या होता है, लीवर का फंक्शनल यूनिट क्या होता है, कोई बता सकता है, हिपेटोसाइट होता है कि हिपेटिक लोब्यूल होता या फिर हिपेटिक लोब होता है, क्या होता है लीवर का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट। चलिए हम इसका फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट बनाएंगे, जो क्या है, हिपेटिक लोब्यूल। आपको पता है कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कि नहीं, और ये हम बना लेते हैं। और ये क्या है, एक लोब्यूल है, और ये बीच में मैंने क्या बनाया, सेंट्रल यानी कि हिपेटिक वेन, और यहां पे कॉर्नर पे, सारे कॉर्नर पे, चाहे ये कॉर्नर ले लो, ये ले लो, ये सब जगह क्या रहेगा, पोर्टल ट्रायड रहेगा, क्या रहेगा, पोर्टल ट्रायड, है कि नहीं। श्रावणी, नीलम, कल्पनाथ, सोनाली, कोई डाउट है यहां तक, नहीं। चलिए तो यहाँ पे हम लोग देख लिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, ये हो गया आपका पोर्टल ट्रायड। और पोर्टल ट्रायड किस चीज से बना हुआ रहता है पहले लिख देते हैं, ये क्या है हिपैटिक वेन और पोर्टल ट्रायड है। और ये सब छोटे छोटे सेल्स मैंने क्या बनाया है हिपैटोसाइट। ये जो सेल्स बनाए हैं छोटे छोटे ये कहाँ पे हैं हिपैटोसाइट्स हैं, लिवर के छोटे सेल्स हैं, ठीक है हिपैटोसाइट। इसमें पोर्टल ट्रायड में क्या क्या रहेगा हिपैटिक आर्टरी, एच ए क्या है हिपैटिक आर्टरी, दूसरा क्या है एचपीवी हिपैटिक पोर्टल वेन और बीडी क्या है बाइल डक्ट। ये पोर्टल वेन है, ये पोर्टल ट्रायड है, तीन से बना और बीच में हिपैटिक वेन है। आई बात समझ में, ठीक है। तो अब क्या हुआ स्पोरोजॉइट इसके थ्रू यहां पे आ जाएगा, हिपैटिक आर्टरी के थ्रू अंदर चला जाएगा और जाकर हिपैटोसाइट्स को डैमेज करने लगेगा। ये देखो इस पार्ट को मैं थोड़ा इनलार्ज करूंगा, सिर्फ इस पार्ट को मैं क्या करूंगा अब ड्रॉ करूंगा और इसको इनलार्ज करूंगा, ध्यान देना। ये क्या है सेंट्रल वेन बनाया मैंने, इसके आजू बाजू ये सब क्या होगा साइनोसॉइड्स होंगे। और उसके बाद ये क्या है पोर्टल ट्रायड का तीनों बना दिया मैंने, ठीक है। और ये देखो किस तरह से स्पोरोजॉइड जो आया है वो ऐसे अंदर जाएगा, आया आर्टरी से और अंदर जाएगा और किसी ना किसी हिपैटोसाइट को इन्फेक्ट कर देगा। थोड़ा छोटा कर देता हूं इसे। अब ये ऐसे गया और देखो लिवर का एक हिपैटोसाइट के अंदर चला गया, ठीक। अब इसके बारे में समझेंगे कि लिवर के सेल के अंदर इस ये स्पोरोजॉइट क्या धमाचौकड़ी मचा रहा है, क्या खेल खेल रहा है, ध्यान देना। अब इसको यहां तक हम लोगों ने रख दिया। क्या यहां तक कोई डाउट है? सब कुछ सिंपल सिंपल करके बताया, लीवर हो गया, हिपैटिक लोब्यूल हो गया, कैसे हिपैटिक आर्टरी से आया हिपैटोसाइट में गया, हिपैटोसाइट में अब क्या होगा वो आगे पढ़ेंगे। क्या यहां तक कोई डाउट है तो पूछो। श्रावणी, कल्पनाथ, नीलम और कौन है, सोनाली, कोई डाउट है यहां तक? सिंपल सब कुछ है, क्लियर है सब कुछ, सारे पॉइंट्स बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को थोड़ा और समझते हैं। ये है लिवर सेल विथ स्पोरोजॉइट। यहां लिवर के सेल में क्या है स्पोरोजॉइट है, ठीक है। और इसका क्या होगा ध्यान दो, ये मैं थोड़ा इनलार्ज बड़ा बना देता हूं ताकि सारे चेंजेस हम अच्छी तरह से देखें। इसको मैंने मैग्नीफाई कर दिया, कुछ चेंज नहीं किया, मैग्नीफाई कर दिया है। यह है हिपैटोसाइट और इसके अंदर ये क्या है, ये है स्पोरोजॉइट। अब इसके अंदर चेंज होगा, ध्यान दो, दिस विल अंडरगो साइजोगोनी। ये अंडरगो करेगा साइजोगोनी, ध्यान देना कैसे। ये है, नोट डाउन कर लो पहले। दिस विल अंडरगो साइजोगोनी यानी कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं साइजोंट भी बोलते हैं, जो साइजोगोनी के बाद स्ट्रक्चर बनेगा। और इसी को क्या बोल रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं स्पोरोजॉइट को। फिर आप यहां पे देखो कैसे ये साइजोंट बन जाएगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में क्या होता है, सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन धराधर होता जाता है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं होता है, ध्यान देना। यहां पे क्या हो रहा है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, ये लिया हमने और इसके फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करवा दिए, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ है। देखो ढेर सारे न्यूक्लियस बन के तैयार हो गए। ये किसमें आया, अब स्पोरोजॉइट किसमें चेंज हो गया साइजोंट में चेंज हो गया है, ये देखो। और अब साइजोंट का होगा साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, अभी तक साइजोंट का साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं हुआ था। ये इसको क्या बोलेंगे, ये साइजोंट है और साइजोंट का क्या होगा अंडरगो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। आई बात समझ में, सारे टर्म्स बिल्कुल क्लियर हैं, सबको नोट डाउन भी करते चलो, समझे, सबको नोट डाउन करते चलो। अब इसका साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो जाएगा तो कैसा दिखेगा उसको पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे चीजों को समझते हैं। अब ये साइजोंट बन चुका है, अब साइजोंट का होगा न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है। ये लिया हमने और देखो कैसे, सॉरी न्यूक्लियर डिवीजन हो चुका है, अब उसका साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा। ये देखो ढेर सारा साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो गया और अंदर जो स्ट्रक्चर, जो छोटे छोटे सेल्स बने हैं ना इस साइजोंट के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, क्रिप्टोजॉइट बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे, क्रिप्टोजॉइट। इसको नोट डाउन करना है, सिंगल वन जो होगा इसको क्या बोलेंगे, क्रिप्टोजॉइट। और यही लिवर सेल के अंदर ढेर सारे क्रिप्टोजॉइट जब बन जाएंगे तो लिवर का सेल ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है, लिवर का सेल फट जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, ब्लास्ट नहीं होगा। और ये सारे के सारे क्रिप्टोजॉइट्स जब रिलीज होते हैं, क्रिप्टोजॉइट यहां बनेगा और क्रिप्टोजॉइट जब रिलीज होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, क्रिप्टो-मीरोजॉइट। इसको क्या बोलते हैं, सॉरी यहां पे क्रिप्टोजॉइट लिख लो, वो गलती से क्रिप्टो-मीरोजॉइट मैंने लिख दिया, यहां पे मीरो नहीं लगाएंगे, यहां पे ये क्रिप्टोजॉइट है। जब ये बर्स्ट करेगा और तब जब इससे निकलेंगे ये जो ये स्ट्रक्चर निकला है इसको क्या बोलेंगे, क्रिप्टो-मीरोजॉइट, क्रिप्टो-मीरोजॉइट। बस मीरो लगाना है। अब समझो कि स्पोरोजॉइट को क्रिप्टोजॉइट क्यों बोला गया, ध्यान दो। क्रिप्टो का मतलब क्या होता है, क्रिप्टो आपने सुना होगा क्रिप्टोर्किडिज्म में, जिसमें टेस्टिस जो है डिसेंडेड नहीं होता है, हिडन रहता है। फिर आपने क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना होगा, बिटकॉइन वगैरह, वहां भी करेंसी एक्चुअल कुछ नहीं होती है, वो हिडन होती है, ठीक है। तो क्रिप्टो का मतलब हिडन रहता है। यहाँ पे स्पोरोजॉइट्स जो हैं ये सारे कैसे हैं, हिडन है। ये जो जॉइट्स हैं, ये जो प्लाज्मोडियम का स्टेज है, हिडन है। किसके अंदर हिडन है, हेपेटोसाइट्स के अंदर हिडन है। और यही क्रिप्टो अब क्या हो गया, बाहर निकल गया, तो इसमें क्या लग गया, मीरो लग गया, क्रिप्टो-मीरोजॉइट्स। आई बात समझ में। चलिए अब फिर से ये क्रिप्टो-मीरोजॉइट फिर से लीवर सेल के अंदर जाएंगे, ठीक है, इंटर्स लीवर सेल अगेन, इंटर्स टू लीवर सेल अगेन, ठीक है। और ये हमने भेज दिया। अब देखिए फिर से सेम तरह का होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फिर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। हम सीधा वहीं पे आ जाते हैं। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के बाद क्या बन जाएगा, मेटाक्रिप्टोजॉइट। क्या बनेगा अब ये देखो, उस वाले स्टेज में फर्स्ट टाइम क्या था, क्रिप्टोजॉइट था, अब क्या बन गया, मेटाक्रिप्टोजॉइट। सेम चीज हुआ। अब इसके बाद इसका क्या होगा, इसमें मैं साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी दिखा देता हूं, ठीक है। फिर से लीवर सेल बर्स्ट होंगे और फिर से इसमें मीरो लग जाएगा। क्या लग जाएगा, मीरो लग जाएगा, ठीक है। ये देखो सब रिलीज हो गए। अब इसको क्या बोलेंगे, मेटा क्रिप्टो-मीरोजॉइट्स। मीरो फिर लगाना है क्योंकि अब ये रिलीज हो गए, रिलीज होंगे तो मीरो लगा दो, मेटा क्रिप्टो-मीरोजॉइट्स। आई बात समझ में। यहां तक चीजें बिल्कुल क्लियर है। अब ये जो मेटा है, मेटा वाला स्टेज है, जिसको सिर्फ मीरोजॉइट्स भी बोलेंगे, मेटा क्रिप्टो-मीरोजॉइट, अब ये आरबीसी को इन्फेक्ट करेगा। अब ये आरबीसी में जाएगा। अभी तक ये कहां नाच रहा है, हिपेटोसाइट के अंदर। सारा ड्रामा कहां चल रहा है, हिपेटोसाइट के अंदर। सारा खेल जो चल रहा है हिपेटोसाइट के अंदर। इसीलिए यहां तक के स्टेज को क्या बोलते हैं, एक्सो इराइथ्रोसिटिक साइजोगोनी। क्या बोलते हैं, एक्सो इराइथ्रोसिटिक, इराइथ्रोसाइट के बाहर। यहां ये सब चीज चल रहा है और इसमें 14 डेज के आसपास का टाइम लग जाता है, 12 डेज के आसपास का टाइम लग जाता है। आई बात समझ में। यहां तक लिवर तक का काम हो चुका है। क्या कोई डाउट है यहां तक, तो बताओ कोई डाउट है यहां तक। सिंपल है, सिंपल लग रहा है, लेकिन जब पढ़ोगे तो डाउट आएंगे, तो अच्छी तरह से पढ़ना है इसको। मैं ये नहीं कहूंगा कि आंख बंद करके याद करो, क्योंकि बहुत सारे जगह पे ये नहीं, एनसीईआरटी में ये टर्म यूज नहीं किया गया, लेकिन मेरा काम है कि आपको एक्चुअल क्या होता है वो बताना, फिर एनसीईआरटी से कंपेयर करवाना और एनसीईआरटी को लर्न करवाना। क्वेश्चन वहीं से आएंगे। एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझ लो, जब आपको जरूरत हो पढ़ने की ये पढ़ लो, उसके बाद एनसीईआरटी को लर्न कर लो। क्वेश्चन तो वहीं से आएंगे। ठीक है, चीजें क्लियर है यहां तक? चलिए, अब ये जो हैं ये रिलीज कहां हुए? लिवर के सेल हिपेटोसाइट जब बर्स्ट करेंगे तो क्या ये साइनोसॉइड में रिलीज हो जाएंगे? क्या ये साइनोसॉइड, लिवर का जो साइनोसॉइड है हिपेटिक लोब्यूल के अंदर, क्या वहां रिलीज हो जाएंगे? यस। वहां पे ब्लड भी होगा? यस। तो ब्लड में जाएंगे? हाँ, अब ब्लड में एंटर करेंगे। चलिए, अब ये जो होते हैं ना मेटा क्रिप्टोमेरोजोइड्स, ये रिलीज हो गए और इंटर कर जाते हैं ब्लड स्ट्रीम। और इसका भी ना दो टाइप होता है। कुछ मेटा क्रिप्टोमेरोजोइड जो रहते हैं फिर से लीवर को इन्फेक्ट करने चले जाते हैं, और जो माइक्रोफॉर्म रहते हैं वो जाते हैं कहां? ब्लड को इन्फेक्ट करने। कुछ तो फिर से लीवर को इन्फेक्ट करने लग गए और बाकी फिर कुछ ब्लड के पास चले गए। हम बात करेंगे ब्लड की भी। देयर इज प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ, अब देखो प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन किसका हो रहा है? हिपेटोसाइट का, विच लीड्स टू जॉन्डिस। अब आप देख रहे हो टाइम के साथ साथ लिवर सेल डैमेज हो रहे हैं। जब लिवर के सेल डैमेज होंगे तो हिपेटोसाइट मतलब डैमेज हो गए। हिपेटोसाइट डैमेज होंगे तो वो बाइल जूस जो बाइल डक्ट में डालना चाहिए था उसको कहां डाल रहे हैं? उसको वो अब ब्लड में छोड़ रहे हैं। और ब्लड में बाइल का लेवल बढ़ने लग गया तो सिम्टम आएगा जॉन्डिस। जॉन्डिस बीमारी नहीं है, जॉन्डिस कई रीजन से हो सकता है। जॉन्डिस के जड़ में अनीमिया है यहाँ, सॉरी मलेरिया है यहाँ पे। आई बात समझ में? जॉन्डिस में क्या होता है? ब्लड का बिलिरुबिन का लेवल जो बाइल होता है उसका लेवल बढ़ने लगता है, जिसके कारण आंखों को इस तरह से डॉक्टर देखता है तो ऊपर जो रहता है इक्टेरस वो येलोइश दिखता है, उंगलियां येलोइश दिखती है। ठीक है, स्टूल पेल हो जाते हैं क्योंकि बाइल जूस को कहां जाना? इंटेस्टाइन में जाना चाहिए तो वो इंटेस्टाइन में जा नहीं रहा है, इसीलिए स्टूल का कलर पेल हो जाता है। ये कहां जा रहा है? ब्लड में जा रहा है। चीजें क्लियर है यहां तक? तो मलेरिया जब ज्यादा प्रोग्रेसिव स्टेज में चला जाता है तो जॉन्डिस भी हो जाता है जब ज्यादा लीवर डैमेज हो चुका है। चीजें क्लियर है यहां तक? चलें आगे। चलिए, अब यहां पे समझते हैं मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट्स कितने तरह के होंगे। मैक्रो और माइक्रो, ये आरबीसी में जाते हैं और मैक्रो वाले फिर से हिपेटोसाइट को डैमेज करने चले जाते हैं। ठीक, चीजें क्लियर है यहां तक? अब यहां से समझते हैं, ये आरबीसी है और आरबीसी के अंदर हम क्या भेज दिए? मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट को, MCMZ। ठीक है, अब ये क्या करेगा? हेमोग्लोबिन को कंज्यूम करने लगे। हेमोग्लोबिन कहां है? आरबीसी के अंदर। और हम इस चीज को देख पा रहे हैं यहां से हम देख पा रहे हैं। अब यहां पे ये व्यू देखेंगे इसका। ठीक, ये देखो, अब देखो ये जो मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट था वो कैसा रूप ले लिया हेमोग्लोबिन को कंज्यूम कर करके। ये वैक्यूल जैसा स्ट्रक्चर, वैक्यूल के जैसा स्ट्रक्चर बन गया जो बाद में गायब हो जाएगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म पेरिफेरी तक पुश हो गया है, न्यूक्लियस भी पेरिफेरी पे पुश हो गया है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? क्या ये जो MCMZ था मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट, क्या वो रिंग का स्ट्रक्चर लिया है? यस, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ये कहां पे देखने को मिल रहा है आपको? आरबीसी के अंदर। इसको क्या बोलते हैं? सिग्नेट रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ध्यान दो, ये आरबीसी के अंदर है और न्यूक्लियस है, ये फूड वैक्यूल हो गया और ये इसका साइटोप्लाज्म हो गया जो पेरीफेरी पे है। ये कंज्यूम कर रहा है हीमोग्लोबिन। ठीक है, और हीमोग्लोबिन को ये पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, और ये साइटोप्लाज्म जो देखो, साइटोप्लाज्म पेरीफेरी पे पुश हो चुका है और इस पूरे को क्या बोलते हैं? इस जो अंदर में स्ट्रक्चर है, आरबीसी का नहीं, अंदर जो स्ट्रक्चर है मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट अब किस स्टेज में गया है? ये सिग्नेट रिंग स्टेज में चला गया है। ये सिग्नेट रिंग स्टेज, फिर उसके बाद देखो अब ये किस स्टेज में जाएगा? ध्यान दो, इसका पहले तो आरबीसी जो इसने लिया था उसको पचा नहीं पाया, ढंग से डाइजेस्ट नहीं कर पाया। ठीक है, तो इसने क्या किया, HB इज नॉट डाइजेस्टेड कंप्लीटली, ठीक है, और ये फिर सिग्नेट रिंग से कैसा एमीबॉइड स्ट्रक्चर ले लिया, ठीक है, और इसमें अनडाइजेस्टेड प्रोटीन्स भी रहेंगे जिसको क्या बोला जाएगा, हेमोजोइन ग्रेन्यूल। अनडाइजेस्टेड HB ग्रेन्यूल इज नोन एज हेमोजोइन ग्रेन्यूल, ठीक है, चीजें क्लियर है यहां तक। अब यहां पे ध्यान दो, ये एक न्यूक्लियस है तो आपको पता है ये कैसे डिवाइड करता है, साइजोगोनी से, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, और इसके अंदर और क्या है, यहां पे ढेर सारे हेमोजोइन ग्रेन्यूल्स भी हैं। तो जब ये करेगा न्यूक्लियर डिवीजन, ध्यान दो, ये आप क्या कर रहा है, न्यूक्लियर डिवीजन, तो एक रोज की तरह स्ट्रक्चर, रोजेट, फूलों की तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। यही एमीबॉइड स्ट्रक्चर अब रोज के स्ट्रक्चर में चला जाता है। एक जो न्यूक्लियस था अब वो देखो ढेर सारा न्यूक्लियस बन जाता है, और ये जो हेमोजोइन ग्रेन्यूल्स था ये सेंटर पे एक्यूमुलेट हो जाता है। ये न्यूक्लियर डिवीजन हुआ और ये सेंटर पे एक्यूमुलेट हो गया, और इसको कहते हैं रोजेट स्टेज। ये जो रोजेट स्टेज है किसका, प्लाज्मोडियम का रोजेट स्टेज है। आई बात समझ में, यहां तक चीजें क्लियर है, देख पा रहे हो आरबीसी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं टाइम के साथ साथ, ठीक है। अब ये रोजेट स्टेज, अब देखो, अब तो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो गया, सॉरी न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, अब क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन करवा देंगे, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा अब, और ये ढेर सारे साइटोप्लाज्म में बट गए, ठीक, और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है तो ये बड़ा हो जाता है, और जब बढ़ने लगता है तो आरबीसी को फिर से बर्स्ट कर देगा। पहले हिपेटोसाइट को बर्स्ट किया था, अब यहाँ आरबीसी बर्स्ट होगा। तो दिस बर्स्ट टू रिलीज मेरोजोइट, और अब मेरोजोइट एंड हेमोजोइन, अब ये जो बर्स्ट होगा तो अंदर से क्या निकलेगा, ढेर सारा मेरोजोइट्स निकलेगा, ढेर सारा हेमोजोइन निकलेगा, और हेमोजोइन क्या है, अनडाइजेस्टेड हेमोग्लोबिन है, और ये कुछ इस तरह से बर्स्ट करेगा आरबीसी, और ये सारे मेरोजोइट्स निकल गए। अब ये क्या है, जस्ट मेरोजोइट्स, ठीक है, और इन्फेक्ट्स, और ये अब क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे अदर आरबीसी को, ठीक, और ये देखो हेमोजोइन आ गया। और इसके साथ अब आप देख पा रहे हो कि एनीमिया, ये क्या बोलते हैं, मलेरिया है, मलेरिया के केस में सबसे पहले क्या हुआ था, लीवर का डैमेज हुआ, तो उसके कारण कौन सा सिम्टम आया, जॉन्डिस। आरबीसी भी डैमेज हो रहा है तो यही सब चीज का लेवल बढ़ने लगेगा तो जॉन्डिस और एनीमिया आ जाएगा। क्या जॉन्डिस एंड एनीमिया मे बी एसोसिएटेड विथ मलेरिया, ठीक है। अब आप पूछ रहे हो कि सर ये जॉन्डिस मलेरिया, लेकिन जॉन्डिस है, एनीमिया है, लेकिन हमने तो सुना है ठंड लगती है, फीवर होता है, वो क्यों होता है, ये इसके कारण होता है, ये जो हेमोजोइन ग्रेन्यूल्स रिलीज हुए हैं ब्लड से, आरबीसी फटा, हेमोजोइन ग्रेन्यूल्स रिलीज हुए। ये हेमोजोइन ग्रेन्यूल्स कितने इंटरवल पे रिलीज होंगे, जितना टाइम लगेगा इराइथ्रोसाइटिक साइकिल को पूरा करने में। आरबीसी में जितना काम हो रहा है, सिग्नेट रिंग, फिर उसके बाद रोजेट, फिर उसके बाद जो तुम्हारे जितने मेरोजोइट्स बने, न्यूक्लियर डिवीजन, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, फिर ये बर्स्ट, तो ये काम होने में कहीं 3 दिन लगता है तो वहां पे टर्शियन मलेरिया होता है, कहीं 4 दिन होता है तो क्वार्टिडियन मलेरिया होता है। तो जितने दिन बाद ये रिलीज होगा फिर से ठंड लगेगी, फीवर बढ़ेगा, चिल्स होगा, है कि नहीं, वॉमिटिंग होगी, अलग अलग सिम्टम्स इसके कारण आएंगे, फिर धीरे धीरे इसका इफेक्ट कम होगा, फिर पेशेंट नॉर्मल हो जाएगा, फिर 3 दिन बाद फिर आरबीसी का एक साइकिल पूरा होगा, फिर आरबीसी फटेगा, ये रिलीज होगा, फिर से ड्रामा चालू। आई बात समझ में, तो ये होता रहता है, ठीक, यहां तक चीजें बिल्कुल क्लियर है। हेमोजोइन कॉजेज फीवर, चिलिंग, वॉमिटिंग, ठीक है, और इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो क्या होता है, 14 डे होता है, और ये इंक्यूबेशन पीरियड कौन सा पीरियड है भाई, ये है एक्सो इराइथ्रोसिटिक साइजोगोनी, इसमें 14 डे लगता है, यानी कि लिवर वाले सेल में ये सब हो रहा था उसमें 14 डे, और एक्सो और इराइथ्रोसिटिक साइजोगोनी में कितना टाइम लगेगा, इराइथ्रोसिटिक साइजोगोनी में 48 आवर्स लगते हैं, और इसीलिए हर 48 आवर में क्या होता है, हेमोजोइन रिलीज होगा। इसीलिए सो फीवर अकर्स आफ्टर एवरी 3 डेज। यहां तक चीजें बिल्कुल क्लियर है, यहां तक चीजें बिल्कुल क्लियर है या कोई डाउट है, बताइए। कोई डाउट है? कल्पनाथ, श्रावणी, नीलम, जो भी देख रहे हो बताओ, कोई डाउट है? यहां तक नोट डाउन कर लिए, यहां तक जो भी था, कहीं कोई डाउट? चलिए, मलेरिया का जो सेकेंड पार्ट है, जो एनोफिलीज मॉस्किटो में होता है, उसके बारे में हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। बाकी इसके बाद यहां तक तो एक पार्ट तो समझ लिए मलेरिया का, नेक्स्ट पार्ट कल के लेक्चर में देखेंगे। ओके।